गाइस, आज हम करने वाले हैं मेक आई कविता का भावार्थ। तो हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, इसका हर एक लाइन का मीनिंग समझेंगे और उसके हिसाब से हम आपको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आप सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सको और साथ ही साथ इसका भावार्थ भी अच्छे से समझ सको और लोगों को समझा सको। तो इस कविता को लिखा था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। जैसे कि आपको इस चित्र में ही दिख रहा होगा, यहाँ पे बादल है और ये बादल काफी काले हैं, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बारिश होने वाली है। तो कुछ इसी तरीके से ये कविता भी हमें बताती है कि किस तरीके से बारिश का चित्रण करने वाली है ये कविता, कि किस तरीके से बारिश होगी, आंधी चल रही है, हवाएं चल रही है, कैसा माहौल है। तो एक साल के बाद यानी कि वर्षा ऋतु की पहली बारिश का जिक्र इस कविता में किया गया है, तो वो सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। तो नई कविता के विख्यात कवि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। इनकी जन्म तिथि और जहां पे इनका जन्म हुआ है, ये दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हो। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि कांट की घाटियां, बांस का फूल, गर्म हवाएं, एक सूनी नाव। तो ऐसी आप कुछ रचनाएं यहाँ पे याद कर सकते हो और फिर आप कवि परिचय में लिख सकते हो आपके एग्जाम में। अब ये तो रही कवि परिचय, इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, इसमें बस आपको कुछ रचनाएं और कवि का जन्म और उनकी जन्म कहाँ हुई थी ये सारी चीजें आप याद करके लिख दोगे तो उतना काफी है। अब इसके बाद हम समझते हैं इस कविता का भावार्थ पैरा बाय पैरा। मेघ आए बड़े बनठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के सवर के। तो इस कविता को पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बादलों की बात की जा रही है, कि वर्षा ऋतु का पहला बारिश होने वाला है, तो वातावरण खुद को, प्रकृति खुद को तैयार कर रही है पहली बारिश के लिए। तो क्या हो रही है, जो बादल है, बादले काली काली बादले दिख रही हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं और बादल के वजह से हर जगह हवाएं चल रही हैं, जोर जोर से आंधी उठ रही है, हवाएं चल रही है। तो इससे पूरा वातावरण क्या बता रहा है या फिर प्रकृति संदेश दे रही है लोगों को, प्रकृति के जीवों को, कि बारिश होने वाली है। तो फिर हवाएं बहुत जोर जोर से चल रही है। अब हवाएं जोर जोर से चल रही हैं तो खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, खटखटा रहे हैं, फिर ऐसा लग रहा है। अब कभी यहाँ पे बात करते हैं पाहुन की, यानी कि कभी यहाँ पे जो मेघ है, इस मेघ यानी कि बादलों को कंपेयर करते हैं किससे, पाहुन से, यानी कि पाहुन का मतलब है कि दामाद। अब किसी लड़की की शादी हुई है जिस लड़के से वो शहर में काम करता है और जो लड़की है वो अपने घर पे यानी कि अपने मायके में गाँव में है। तो जब उसका पति उससे मिलने के लिए आता है तो वो कितना सज धज के, कितना तैयार होके अपनी बीवी से मिलने के लिए आता है। और जब वो आता है, जब वो गांव में पहुंचता है, तो वहां के बच्चे और उसकी सालियां यानी कि वहां की जो बाकी लड़कियां हैं वो सभी खुशी के मारे भागती हैं, लोगों को बताती हैं, यानी कि पूरे गाँव में ये बात फैला देती है कि मेहमान आ गए हैं, दामाद आ गए हैं, वो जल्दी ही पहुंचने वाले हैं। और आसपास के लोग दामाद के इंतजार में खिड़की दरवाजे खोलकर उसे देखने लग जाते हैं कि दामाद आए कि नहीं आए। गांव में शहर के, तो गांव में आ रहे हैं शहर से वो दामाद। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि जो मेघ है यानी कि जो बादल है, अब यहाँ पे ये चीज समझो कि जो बादल है वो तैयारी कर रहा है किस बात का, बरसने का, कि जल्दी ही बारिश होने वाली है। तो प्रकृति खुद को तैयार कर रही है, आंधी लाकर, हवाएं चल रही हैं, बिजली कड़केगी और फिर बारिश होगी। अब इसके बाद पेड़ झुक झांकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बांकी चितवन उठ उठा, नदी ठटकी, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो कवि यहाँ पे ये समझाते हैं कि जो औरतें हैं वो अपने गले को उचका उचका के, यानी कि औरतें और बाकी लोग अपने गले को उचका उचका के देख रहे हैं कि जो दामाद है वो पहुंचे या नहीं, वो कहाँ है, अपने गले को ऐसे उचका उचका के देख रहे हैं कि दामाद कहाँ है, क्योंकि सीधे तो वो देख नहीं सकती है ना, तो वो गले को उचका उचका कर देख रही है कि दामाद कहाँ है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और आंधी चलती है, आंधी चलती है मतलब कि जब हवाएं चलती हैं
जब हवाएं जोर जोर से बह रही हैं तो पेड़ों को वो छूती हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पेड़ हिल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेड़ उछक रहे हैं। इसके बाद आंधी चलती है और हर जगह धूल उड़ने लग जाती है, हर जगह धूल बहने लग जाती है, क्योंकि जोर जोर से हवा चल रही है तो धूल तो उड़ेगी आंधी के वजह से। अब यहाँ पे धूल से किसको यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है धूल को देखकर कि ऐसा लग रहा है कि लड़कियां हैं, और ये लड़कियां, ये औरतें अपना घूंघट, अपना घाघरा पकड़े, यानी कि जो वो घाघरा पहनती हैं उसको पकड़ के वो भाग रही हैं। दूल्हे को देख के वो बहुत ज्यादा खुश हैं और जाकर खुशी उल्लास से वो भाग रही हैं शर्माते हुए, क्योंकि जब कोई दामाद आता है तो जो बहुएं होती हैं या जो औरतें होती हैं वो उनसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकती या फिर उनको फेस टू फेस नहीं देख सकती। बाकी चितवन उठा नदी ठटकी, यानी कि जो नदी है, अब यहाँ पर समझो कि जो औरतें घूंघट में है वो औरतें ठिठक ठिठक कर, यानी कि उचक उचक के अपना जो उनका जो जिसको वो ओढ़ती है ना, क्या बोलते हैं उसे, घूंघट है ना, घूंघट, घूंघट को ऐसे हल्का हल्का उठा उठा के नीचे से वो तिरछी नजरों से या फिर तिरछी नजरों से दूल्हे को देख रही है, उस लड़के को देख रही है ना, कि देख रही है कि दूल्हा आ गया है या फिर वो दामाद आ गया है। अब यहाँ से ये बात समझो कि ऐसा लग रहा है कि जो नदी है उसमें से पानी की बूंदे ऐसे उछल रही हैं बाहर की तरफ, मतलब कि जो नदी है वो एकदम शांत हो गई है, क्योंकि अब बारिश होनी है, हवाओं की वजह से ऐसा लग रहा है कि नदी में हलचल नहीं है, नदी शांत हो गई है, और उसमें जो पानी की बूंदे है वो ऐसा लग रहा है कि उछक उछक के ऊपर उठ रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो जो मेघ है वो तैयार होकर आए हैं, बिजली लेकर आएंगे और बरसने के लिए मेघ तैयारी कर रही है। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बात सुधी ली ही, बोली अकुलाई लता ओठ खो कवार की किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है, क्योंकि जो पीपल का पेड़ होता है वो काफी साल तक रहता है ना, बहुत उसकी आयु बहुत लंबी होती है, इसलिए पीपल को यहाँ पे बूढ़ा कहा गया है। कि जो बूढ़े बुजुर्ग है वो क्या कर रहे हैं, वो उस दामाद का स्वागत कर रहे हैं, जुहार लगाने, यानी कि उसका स्वागत कर रहे हैं, हाथ जोड़ के उनका स्वागत कर रहे हैं और उनकी सूद ले रहे हैं कि कैसे आना हुआ, कैसे हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो लड़की है लता, जो लड़की है ठीक है, जो दुल्हन है जिसके साथ उस दामाद की शादी हुई थी, वो गुस्से से जो दरवाजा है दरवाजे के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, गुस्से से दरवाजे के पीछे जाके खड़ी हो जाती है। जब उसे ये पता चलता है कि उसका पति आ गया है, वो गुस्से में है कि उसका पति उससे एक साल बाद मिलने के लिए आया है, वो गुस्से में सोचती है कि क्यों उससे एक साल बाद मिलने के लिए आया है, क्या उसे याद नहीं आई अपनी बीवी की। इसके बाद जो बाकी लोग हैं घर के वो क्या करते हैं, वो दूल्हे का पैर धोते हैं, उसका पैर जैसे कि धोया जाता है दूल्हे का, या फिर दामाद का पैर साफ किया जाता है, तो परात भर पानी लेकर आते हैं दूल्हे का पैर धोने के लिए। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, ठीक है, तो मेघ बड़े तैयार होकर आए हैं। तो यहाँ पे ये समझो कि जो पेड़ है पीपल का पेड़, वो हवा के वजह से ऐसा लग रहा है कि पीपल का पेड़ झुक गया है और वो स्वागत कर रहा है बारिश का, कि बारिश तुम एक साल बाद आए हो, और वो सारे पेड़ पौधे बहुत बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे। और जो बेल है, बेल यानी कि लता, जो लता है वो, लताएं क्या है यहाँ पे, पेड़ पौधे, तो जो लताएं है वो पेड़ का या फिर उस पानी का, उस बारिश का बहुत सालों, एक साल से इंतजार कर रही है, और जब बारिश होने आया है ऐसा लग रहा है कि बारिश होने को है, तो वो जो लताएं हैं वो बारिश का बेसब्री से इंतजार में है कि कब बारिश होगा और कब उनकी प्यास बुझेगी। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी डमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भमन की, भरम की, बाण टूटा छर छर मिलन के अश्रु ठरके, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो अब क्या होता है कि जो लड़की है ठीक है, जो दुल्हन है, जब वो देख लेती है कि उसका पति आ गया है, तो वो बहुत ज्यादा खुश जाती है, और उसके मन में जो भी कुछ हलचल चल रहा था, उसके मन में जो भी कुछ गुस्सा था अपने पति के लिए, जो भी गिले शिकवे थे, और उसके पति को देखकर ही दोनों का दिल भर आता है, यानी कि जो भी दोनों के बीच में जो भी अनबन था वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, वो सारी चीजें आंसू के रूप में बाहर आ जाती हैं और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि क्या होता है कि जब बारिश, काले काले बादल हैं ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रहा है, क्षितिज मतलब जहाँ पे आसमान और धरती एक दूसरे से
मिलता हुआ नजर आता है। तो अचानक से बिजली कड़कने लग जाती है। बिजली कड़कती है तो क्या होता है कि इतने सालों से आसमान और बादल एक दूसरे से मिला नहीं था, एक साल से आसमान और बादल एक दूसरे से आसमान और धरती एक दूसरे से मिला नहीं था, है ना। तो बारिश होने वाली है तो ऐसा लग रहा है कि आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रही है। बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने से दोनों, ऐसा लगता है कि दोनों मिल रहे हैं। और फिर क्या होता है, और फिर जोर जोर से बारिश होने लग जाती है। बारिश होता है तो जो नदी है, नदी तालाब सारे भर आ जाते हैं, सबका बांध टूट जाता है और फिर पानी, मतलब कि बाढ़ आ जाता है या फिर पानी भर जाता है, सारे नदी तालाबों में पानी भर जाता है, जो सूखा था वो सारे नदी तालाब भर आ जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से कवि ने समझाया है कि किस तरीके से बादल आते हैं, बारिश होती है, किस तरीके से इसको कंपेयर किया गया है एक दूल्हे के आने से, दूल्हे के आगमन से, एक दामाद के आगमन से गांव में, कि किस किस तरीके से दोनों ही कंडीशन में गांव में खुशी और उल्लास का माहौल हो जाता है। तो गाइज आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा पोयम। तो गाइज हम अगले कविता के साथ आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन इन सारे कविताओं को आप पढ़ते रहो, समझते रहो। जहां भी आपको डाउट लगता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आपको सारे चैप्टर्स के नोट्स मिल जाए। हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ्स, जितने भी चैप्टर्स है सभी के चैप्टर्स के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी इन द टेलीग्राम चैनल। सो गाइज थैंक यू सो मच, विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो।